जाती हूँ। शादाब चौहान इस वक्त पीस पार्टी से मेरे साथ है। शादाब, आपका क्या स्टैंड है, क्या कहना है मंदिर जो टूटा है उसको लेकर? भारत के अंदर अदालत के राज को खत्म करके एक नया कल्चर क्रिएट किया जा रहा है, बुलडोजर कल्चर। कभी ये बुलडोजर गरीबों के घर आशियाने उजाड़ता है, कभी मंदिर, कभी मस्जिद उजाड़ता है। मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए और कांग्रेस को भी शर्म आनी चाहिए। 300 साल पुराने मंदिर को गिराओगे, अब बहुत हो गया। अगर किसी मस्जिद या गरीब के घर या मंदिर को बुलडोजर से गिराया जाएगा, हम खड़े होंगे। ये कब तक नाटक चलेगा? इस देश के अंदर क्या लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हो? क्या पुलिस तय करेगी या चंद लोग वहां पालिका में बैठकर बीजेपी के पार्षद तय करेंगे कि मंदिर गिरेगा या नहीं गिरेगा? बीजेपी के पार्षदों की हैसियत क्या है? नरेंद्र मोदी जी, तुम्हारी या बीजेपी की हैसियत क्या है जो मंदिरों को गिरा सके? और राजू दास जी एक शब्द नहीं बोलते बीजेपी के खिलाफ। अफसोस होता है, आप कैसे संत है महाराज जी? आप आगे बढ़िए, हम साथ हैं। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, कोई किसी को भी गिरा उसके खिलाफ खड़े होंगे? नहीं, एकदम हम एकदम खिलाफ है। नहीं नहीं, हम तो एकदम खिलाफ है। हम तो एकदम खिलाफ है। बीजेपी क्या, बीजेपी राजू दास जी, राजू दास जी, शादाब चौहान न्योता दे रहा है। राजू दास जी, शादाब चौहान न्योता दे रहा है। दोनों चलते हैं, उस मंदिर का निर्माण करते हैं। चलिए, मुसलमान कह रहा है रमजान के महीने में कि वो मंदिर का गिराया जाना गलत है, मुसलमान कह रहा है। जब मस्जिद को गिराया जा रहा था तो कौन जश्न मना रहा था? हम विश्वास नहीं करते। देखिए शादाब भाई, पहले बात तो सुनो। धर्म नगरी अयोध्या है, धर्म नगरी अयोध्या में आप बता दो 17-18 मस्जिदें, किसी ने मुसलमान के खिलाफ एक शब्द बोला? किसी ने मस्जिद पे पत्थरबारी की भी कभी कोई मामला आया कि मुसलमान अयोध्या से साधु संत मार के खदेड़े? चाहे ऐसी भाव आप कहते हो बीजेपी के खिलाफ बोलो, अरे भाई गजब बात करते हो। जिसने जो कार्य किया, धर्म विरोधी कार्य जो भी करेगा, कांग्रेस करेगा, सपा करेगा, बसपा करेगा, तो इन अधर्मियों के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार हो आप? शादाब चौहान के साथ क्यों नहीं बोलते हैं? आओ इन अधर्मियों के खिलाफ युद्ध करें। आओ राजू दास जी, मिलकर संत समाज, मिलकर मुसलमान, मिलकर इन अधर्मियों के खिलाफ युद्ध करें। समय आ गया इन अधर्मियों को खड़ फेंकने का। आओ मिलकर लड़ते हैं। देखिए देखिए देखिए, जब किसी एक व्यक्ति ने गलती किया तो आप पूरे कौम को ले लेंगे, पूरे मुसलमान समाज को ले लेंगे, पूरे हिंदू समाज को ले लेंगे। ये अच्छी बात नहीं है। जो गलती किया है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और ये मुसलमान और हिंदू गलती है, ये अधर्मियों को उखाड़ फेंकने का, जिन्होंने अधर्म के नाम पर किसकी गलती है? ये जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो ये हमारे देश को चाइना बनाना चाहते हैं राजू दास जी। ना कोई मंदिर में जाए, ना मस्जिद में जाए, ना चर्च में जाए, सब नास्तिक बन जाए। ये सबको नास्तिक बनवा देंगे। मंदिर दोनों पार्टी आपस में ये सवाल उठा रही है कि हमने नहीं तोड़ा, हमने नहीं तोड़ा। कल को जो नया राम मंदिर बना रहे, हो सकता है ये उस पर भी चलवा दे, हमें फर्क नहीं पड़ता। ये बचाना इस देश की संस्कृति को। राजू दास, हाँ, मेरा सवाल आप ही से, किसकी गलती है, किसकी गलती से टूटा मंदिर? नहीं देखिए, मैं तो यही निवेदन कर रहा हूँ। मैंने, हम लोगों ने मांग किया, साधु संतों के अंदर बहुत तकलीफ है, दुख है। सदा भाई बहु बोल रहे हैं, और भी प्रवक्ता बोल रहे हैं, सपा के भी प्रवक्ता है, कांग्रेस के, बीजेपी के। सबसे मेरा कहने का मतलब यही है कि सनातन धर्म कभी किसी को अपमानित करने का काम नहीं करती। हमने कभी किसी को पत्थर नहीं मारा, हमने कभी किसी के ऊपर जापर नहीं उठाया। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामय की बात करते हैं। ये हिंदुस्तान भी, हाँ, मैं आपके पास आऊंगी। के शर्मा से पहले आपके सवाल का, जो आपने सवाल उठाया उससे, हाँ, राजू जी आपके पास राम द्रोही और सनातन धर्म की सबसे के शर्मा, आप पे घूम फिर कर सवाल आ रहा है कि आपकी वजह से, आपके नगर पालिका के सदस्य की वजह से, उनके सिग्नेचर की वजह से। मैं दो लोगों का सवाल इस वक्त कोट कर रही हूँ। अनुराग भदौरिया ने भी ये कहा था और शादाब भी इस वक्त कह रहे हैं। ये दोनों का सवाल है कि बीजेपी की भी भूमिका है इस मंदिर गिराने में। एक मिनट सुन लीजिए, कल से आपका ही चैनल सारी सत्यता को बार बार दिखा रहा है कि इसमें, इस नगर पालिका के प्रस्ताव में, इस नगर पालिका के प्रस्ताव में कंडिका 2 में, इसमें जो है गौरव पथ बनाने का निर्णय लिया गया है। ले और मास्टर प्लान में भी गौरव पथ बनाने का निर्णय, उसमें कहीं नहीं है कि आपको मंदिर, एक मिनट मुझे बात तो पूरी, नहीं नहीं, मैं उसको बता रही हूँ कि वो सुने, मैं आप जब उनके पास, जब सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। और इसमें जो इसमें सबसे पहला जो नाम है वो जौहरी लाल मीणा, माननीय विधायक महोदय राजगढ़, ये कांग्रेस के विधायक भी है इसमें। मैं ये कह रहा हूँ, इसमें कहीं पर ये नहीं लिखा है, केवल गौरव पथ बनाने की बात है। ना ना, किरोड़ीमल नहीं है साहब,
जौहरी लाल मीना माननीय विधायक महोदय राजगढ़, ये पहला नाम पढ़िए इसमें, ये नगर पालिका का प्रस्ताव है जौहरी मल मीना, और जिसका कि ये झूठ कल आपके आपके चैनल ने आज जो है फिर से पर्दाफाश किया। इन्होंने कहा था कि इस बैठक में मैं था ही नहीं, जौहरी लाल जी ने, आज इन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं था, और इसलिए क्योंकि उनको नाम दिखाया गया कि ये आपका नाम है इसमें, ये पढ़िए ये प्रस्ताव था आपका, और इसमें 36 लोग नहीं है, इसमें 40 लोग इस बैठक में। आपका पेपर देख लिया, आप सुनिए, सुन लीजिए मेरी बात, एक पूरा करने दीजिए, एक बार अनुराग भदौरिया को सुन लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। इसमें आए भाई साए को चुप कराइए, आए भाई साए बोल रहे हैं, ये मंदिर तोड़ने वाले लोगों से सवाल पूछ रहे हो, ये मंदिर तोड़ा है जिला पंचायत के अध्यक्ष चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर चल रहा है, वो ये देखते रहे, ये इंतजार कर रहे थे मंदिर टूट जाएगा उसके बाद हम आके टीवी पे चिल्लाएंगे, इन्होंने मंदिर टूटते हुए देखा है और इनके सदस्य उसमें शामिल हुए हैं, ये बोलोगे चेयरमैन कौन भारतीय जनता पार्टी का, अनुराग भदौरिया का जो सवाल है उसको लीजिए, उसके बाद मंदिर तोड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनकी सहमति से मंदिर टूटा है, इसलिए सजा भी भारतीय जनता पार्टी को मिलनी चाहिए, ये धर्म के नाम पर राजनीति करेंगे या सनातन धर्म के विरोधी। केके शर्मा, मुझे सबके सवाल लेने पड़ेंगे और एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, और ब्रेक के बाद केके शर्मा मैं आपसे यही सवाल पूछूंगी कि घूम फिर के बाद बीजेपी के पास क्यों आ रही है, आखिर बीजेपी को लेकर क्यों इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, कि पहले बीजेपी चाहती थी कि मंदिर टूटे उसके बाद सवाल उठा, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है, ये शादाब का कहना है और ये कहना है अनुराग भदौरिया का, इसी सवाल के साथ हम आगे बढ़ेंगे, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। मगर वहां हुए हमलों से उस इमारत का हुलिया पूरी तरह बदला नजर आया।